पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मंगलवार को पाकवाड़ा स्थित चौधरी धर्म कांटे पर एक बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित बैठक में किसानों की समस्या जानी गई। किसानों ने फसलों में इस्तेमाल होने वाली FNC दवाई पर चर्चा की गई। किसानों ने बैठक में कहा कि अच्छी पैदावार के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके इस्तेमाल से अच्छी पैदावार हो रही है। किसानों का कहना है कि 3 साल से इस दवा का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे किसानों में खुशहाली है। गन्ने में जो सबसे बड़ा आज की डेट में नुकसान हो रहा है, एक तो अर्ली शूट बोरर, कंसुआ और टॉप बोरर, यानी दोनों कीड़ों से जो नुकसान होता है उसको बचाने के लिए एक FMC कंपनी की कोराजन दवाई आती है, जिससे गन्ने में किस तरीके से लगानी है, कैसे लगानी है और कब लगानी है, सही डोज, सही तरीका और सही समय अगर किसान को पता नहीं होगा तो उसका नुकसान हो जाता है, जिसके कारण किसान बहुत ज्यादा नुकसान में चला जाता है। तो हमारा कंपनी की ओर से यही सजेशन है सभी किसान भाइयों से कि कोराजन दवाई जो है उसको सही तरीके से लगाओ, सही डोज में लगाओ और सही समय पे लगाओ। यानी हमेशा ध्यान रखना है, कोराजन 1 एकड़ में 150 ml दवाई पहले पानी पे आपको लगा देनी है, 400 लीटर पानी में 1 एकड़ में करनी है और 150 ml दवाई को। और हमारे साथ में हमारे किसान भाई हैं, ये कुछ किसान भाइयों को, क्योंकि इन्होंने दवाई लगा रखी है कोराजन, ये बताएंगे कि किस तरीके से कोराजन मतलब काम करती है और कितना अच्छा काम करती है। सर, नाम सतपाल सिंह है, नवरंगी का निवासी हूँ। मैं पहले से गन्ने खेती करता हूँ। पहले जब और दवाइयाँ थी वो 30 दिन की, 40 दिन के दिन में आती थी उसका रिजल्ट। अब जो है जब से कोराजन आई है तो पैदावार भी उतनी हो गई है और इसका 90 दिन का रिजल्ट, और गन्ना मोटा होता है, स्वस्थ होता है, इससे अच्छा कोई दवाई